खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं रचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर शुरू हुई सियासत की। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की और यूपी उपचुनाव को लेकर भाजपा की बनाई खास रणनीति की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेघालय के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से की मुलाकात, बांग्लादेश की स्थिति पर हुई चर्चा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने बांग्लादेश में चल रही स्थिति और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में उप मुख्यमंत्री प्रोस्टॉन टिंगसोंग भी हुए शामिल, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के बीच बढ़ती चिंताओं पर की गई चर्चा। सुभाषपा ने बदला अपना चुनाव चिन्ह, छड़ी को बदलकर किया चाबी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह बदल दिया है, अब सुभाषपा का चुनाव चिन्ह चाबी रखा गया है। पहले सुभाषपा का चुनाव चिन्ह छड़ी था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर बोला हमला, बताया विध्वंसक और जहरीला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने देश में एक बार फिर से अडानी के शेयर को लेकर हलचल पैदा कर दी है। इसके कारण अब विपक्ष सेबी चीफ का इस्तीफा और जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। इसी बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या, विरोध में देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले दिनों एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला डॉक्टर की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हैवानियत के बाद महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया। उतार चढ़ाव के बाद बाजार में सपाट क्लोजिंग, सेंसेक्स 57 अंक टूटा, निफ्टी 24,350 के नीचे। हिंडनबर्ग की ओर से सेबी प्रमुख पर लगाए जाने के बाद घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता दिखा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 56 अंक टूटकर तकरीबन 80,648 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 20 अंक कमजोर होकर 24,347 पर बंद हुआ। ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने मुरैना जिले से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला बर्तन की तरह एक अवैध हथियार यानी कट्टे को पानी से धोती नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले आप भी देखिए ये वीडियो। दरअसल वीडियो के सत्यापन के बाद पुलिस की एक टीम ने गणेशपुरा इलाके में एक घर पर छापा मारा और वहां से महिला के पति और ससुर को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इस घर में पिछले 6 महीने से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। इस फैक्ट्री से 3 देशी कट्टा, कई अर्धनिर्मित हथियार एवं कई अन्य उपकरण और सामग्रियां जब्त की गई हैं। गौरतलब है कि मुरैना में आए दिन छापेमारी में दूध, मावा और पनीर में मिलावट की खबरें आती हैं। पाउडर और केमिकल से यहां मिलावटखोर मावा तैयार कर देते हैं और बाजारों में बेचते हैं। फिलहाल खबरें अब तक में, बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट एक बार फिर चर्चा में है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ और उनके पति की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। हालांकि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने आरोपों को खारिज किया है। बुच दंपत्ति का कहना है कि कुछ भी छिपाया नहीं गया है, आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। वहीं अडानी ग्रुप ने आरोपों को आधारहीन बताया और इसे मुनाफा कमाने और बदनाम करने की साजिश करार दिया है। वहीं इस मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और एक्सपर्ट भी इसके पीछे विदेशी साजिश होने का संदेह बता रहे हैं। वहीं इसी बीच इस मामले पर अब सपा मुखिया अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। जी हां, अखिलेश यादव ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर मांग की है कि सेबी की जांच होनी चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है।
अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आरोप लगाया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। इस कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। इस पैसे का इस्तेमाल शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया है। वहीं इस मसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों की ओर से मामले की जांच कराने की मांग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने भी जांच की मांग करते हुए कहा कि सेबी की जांच होनी चाहिए। इस मामले की गहन जांच देश की अर्थव्यवस्था की अपरिहार्यता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले की जाँच की मांग करते हुए कहा कि सेबी की ऐतिहासिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड का इतिहास ही ऐसा रहा है कि वो कभी सही मायनों में निवेशकों का संरक्षक और सहारा नहीं बना। अखिलेश ने कहा, भारत के बाजार में निवेश के प्रति सुरक्षा की भावना जगाने के लिए सेबी की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना केवल एक निष्पक्ष जाँच ही कर सकती है। सेबी प्रकरण की गहन जाँच देश की अर्थव्यवस्था की अपरिहार्यता बन चुकी है। तो वहीं अखिलेश की तरह कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मामले की जांच की बात कही है। दोनों नेताओं ने संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की अपनी मांग दोहराई है। जाहिर है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से जारी हुई है तब से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अब इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है, जहां इस पर अखिलेश यादव और कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं धीरे धीरे बाकी विपक्षी दल भी इस मुद्दे के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के निशाने पर हमेशा से अडानी और मोदी रहे हैं और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी का भी जिक्र है। तो विपक्ष के लिए इससे अच्छा जरिया और क्या हो सकता है भाजपा और मोदी को घेरने का। खैर चलिए, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इस देश में सब बदला है, देश आज विश्व गुरु बनने की कगार पर है। आज भारत के बढ़ते कदमों की मिसाल दी जाती है, मगर अफसोस कि आज भी यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं ही क्या, यहाँ तो अब ना 2 महीने की बच्ची सुरक्षित है और ना 70 साल का कोई बुजुर्ग महिला। कब किसे कहाँ कोई हैवानियत का शिकार बना ले, कब किसे कहाँ कोई मौत के घाट उतार दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध छिपे नहीं है, जबकि वहाँ खुद एक महिला CM है। एक बार फिर कोलकाता से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ही हैवानियत की हदें पार कर दी गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुक्रवार सुबह RG कर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी इमारत की 4th मंजिल पर रहस्यमय परिस्थितियों में एक महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिला। इसके बाद आज देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। वहीं इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। मामला क्या है, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन सोचिए कोई उसी भगवान के साथ कुकर्म करे तो। जी हाँ, माना कि कलयुग है, मगर इतना पाप कैसे कोई कर सकता है, ये हैरानी की बात है। दरअसल एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है और एक बार फिर किसी बेटी की इज्जत तार तार हुई है, यहाँ तक कि उसकी जान तक ले ली गई। कोलकाता शहर में 8 अगस्त की रात 2 बजे का वक्त था और सन्नाटे से भरा कोलकाता का RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसी हॉस्पिटल में गुरुवार को एक जूनियर लेडी डॉक्टर की नाइट ड्यूटी थी। रात को 2 बजे उसकी शिफ्ट खत्म होती है और वो सोने के लिए चली जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों के सोने के लिए अलग से कोई रूम नहीं था, इसलिए वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट की 3rd मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में जाकर सो जाती है। उसी रात इंसान की शक्ल में एक भेड़िया हॉस्पिटल में दाखिल होता है और सोती हुई उस लेडी डॉक्टर पर टूट पड़ता है। वो लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करता है और बेरहमी से उसका कत्ल करने के बाद हॉस्पिटल से निकल जाता है। जी हाँ, कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय ने खुद ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने अब जो जानकारी दी है उससे तो यही लगता है कि ये बिल्कुल हैवान ही था। उन्होंने बताया कि महिला डॉक्टर को हवस का शिकार बनाने और उसकी जान लेने के बाद रॉय घर गया और वो चैन से सो गया। फिर अगली सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले उसने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धो लिए। हालांकि कहते हैं कि मुजरिम की एक गलती उस पर भारी पड़ जाती है और संजय रॉय के मामले में भी ये बात सच साबित हुई। उसने खून के सारे निशान तो मिटा दिए, लेकिन एक जगह उससे छूट गई
और वही उसका काल बन गई। पुलिस को उसके जूते पर खून के निशान मिले हैं, जिसे उसने सबूत के तौर पर सहेज कर रख लिया है। संजय एक सिविल वॉलंटियर है, जिसे स्थानीय बोली में लोग सिविल पुलिस भी कहते हैं। पुलिस ने शनिवार शाम उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके गिरफ्तारी में एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी बड़ा सबूत बना, जो उसके फोन से तुरंत ही कनेक्ट हो गया था। पुलिस के मुताबिक उसके फोन से कई अश्लील वीडियो भी मिले। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि रेप करने से पहले वो रेड लाइट एरिया में भी होकर आया था। फिलहाल अभी जल्द ही कुछ और नए खुलासे होंगे। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, लेकिन इस मामले में अब राजनीति मोड़ भी सामने आ रहा है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को घेरा और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल किए। भाजपा नेता ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में मां माटी और मानुष सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में राहुल गांधी प्रियंका चतुर्वेदी अभी तक चुप क्यों हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने कहा कि ममता जी, बंगाल में आपके शासन में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म क्रूरता की हद पार हो गई, और क्या वहां निष्पक्ष जांच होगी? देखा जाए तो एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है, खासकर उस प्रदेश में जहां की मुखिया खुद एक महिला है। और भी ज्यादा हैरानी होती है, ये सवाल उठता है कि सरकारें अपने देश के डॉक्टरों को कैसे सुरक्षा मुहैया कराती हैं? दिन रात ड्यूटी करने वाली डॉक्टर के कमरे में कोई हैवान पहुंच जाएगा, ये तो सवाल खड़े ही होंगे। ऐसी वारदात के बाद आखिर कैसे कोई माता पिता अपनी डॉक्टर बेटी को अकेले ऐसे छोड़ पाएंगे? इसलिए ज़रूरी है कि सरकारें इस बात का ध्यान रखें कि राजनीति छोड़कर कैसे महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए और कैसे ऐसे हैवानों को सजा दी जाए, ताकि कोई अगला इस बारे में सोच भी ना पाए। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुकाबले पिछड़ने के बाद अब उपचुनाव में दम दिखाने के लिए कमर कस ली है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों में भी बैठकों का दौर चल रहा है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। तो वहीं कुछ दलों ने अंदर ही अंदर सीटों को लेकर कुछ नाम फाइनल भी कर दिए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यूपी के जिस एक सीट का सबसे अधिक जिक्र हुआ, वो फैजाबाद लोकसभा सीट है, जिसमें रामनगरी अयोध्या भी आती है। तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हैं कि तर्ज पर इस सीट पर बीजेपी की हार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस स्थिति को बीजेपी अयोध्या से ही संदेश देकर मिटाना चाहती है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए कितना महत्व रखती है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते सप्ताह भर में सीएम योगी रामनगरी का दो बार दौरा कर चुके हैं और सीट पर जीत की जिम्मेदारी सीएम योगी के कंधों पर है। वहीं चुनावी समीकरण को देखा जाए तो वर्ष 1991 के बाद से ही इस सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिली। बीजेपी इस सीट पर कमल खिलाने का फॉर्मूला तलाश रही है। वहीं सीट से विधायक रहे लालजी वर्मा सपा से अपनी पत्नी शोभावती वर्मा या पुत्री छाया वर्मा को टिकट दिलाने की कोशिश में है। सपा से टिकट की दावेदारी भीम निषाद भी कर रहे हैं। वहीं संसद का मॉनसून सत्र खत्म होते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपना टिकट पक्का करने के लिए दावेदार अखिलेश से मिलने पहुंच रहे हैं। अयोध्या से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सोमवार को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मंत्री गोपाल राय ने संबंधित विभागों की तैयारी करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली बीआरएस नेता की कविता की याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल मामले में मृत महिला डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ममता परिवार के लोगों से मिलने के लिए उनके घर गई और परिजनों से बातचीत कर उनका हाल जाना। वहीं फर्जीवाड़े के आरोप में ट्रेनी आईएएस की पोस्ट से हटाई गई पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि वो सिस्टम में शामिल नहीं है जो सिस्टम से छेड़छाड़ कर सके। वहीं दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई की गिरफ्तारी और बेल के लिए हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा।
हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वहीं कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद देशभर में प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर एसोसिएशन न्याय की मांग कर रहे हैं। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर भारत के विपक्षी दलों की खामोशी बताती है कि वोट बैंक की राजनीति किस हद तक हावी है। यदि ऐसे ही हमले भारत या किसी पड़ोसी देश में मुसलमानों पर हुए होते तो विपक्षी दल आसमान सिर पर उठा लेते। इसराइल के हमास आतंकियों के खिलाफ हमले में मारे गए मुसलमानों के मामले में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी नेताओं के दिए गए बयान इसका प्रमाण है। इधर जब मुसलमान बांग्लादेश में हिंदुओं के घर, मंदिर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जला रहे हैं तब विपक्षी दलों को खास चिंता नहीं है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की हार की एक प्रमुख वजह यही दो मुही नीति भी रही। बांग्लादेश में देश में 1,31,00,000 के करीब हिंदू हैं। उनके घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। अराजक तत्व हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चुके। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं है, पहले भी हिंदुओं को यहाँ का निशाना बनाया जाता रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं की संपत्तियों को चुन चुन कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंदिर हो या गुरुद्वारा, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। हिंदुओं पर इतना अत्याचार होने के बावजूद उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना तो दूर, इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों ने इसकी तीखी आलोचना तक नहीं की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान भाजपा के कारण भारत के संविधान को खतरे में बताया था। वही राहुल गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। ताकतवर होकर भी झुक जाना श्रेष्ठ गुण है, श्रेष्ठ होकर भी सामान्य रहना सर्वश्रेष्ठ गुण है।